आज की वीडियो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के एक हिडन जेम कॉइन मोबॉक्स के बारे में। गेमिंग कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाला ये कॉइन अपने अंदर काफी पोटेंशियल रखता है और इस बार भी व्हेल्स की नजरों में है। प्राइस पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी और कैटेगरी तमाम पर आज इसके बारे में बात होगी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मोबॉक्स बाइनांस पर $2 पर लिस्ट हुआ था और उसके बाद $10 पर गया था, अगेन से डंप हुआ और फिर $15 तक गया। तो जो ऑल टाइम हाई लगा था वो $15 का था, उसके बाद बियर मार्केट आ गई और दोबारा मोबॉक्स कभी अपने उस प्राइस टारगेट की तरफ नहीं गया। करंट प्राइस की बात करें जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो है 33 सेंट्स, यानी अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो ऑल टाइम हाई से 95% से भी ज्यादा डाउन है। अगर इनकी वेबसाइट चेक की जाए तो ये अब मेटावर्स में भी लाई करती है। ये एज ए गेम स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट आती गई और ये आगे बढ़ता गया। इसमें बहुत सारी गेम्स प्ले की जा सकती हैं, कुछ को प्ले करने के लिए आपका NFT होल्डर होना जरूरी है, जबकि कुछ सिर्फ फ्री में भी खेली जा सकती हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से भी कुछ गेम्स हैं जिसमें आप फर्जी ट्रेड्स ले सकती हैं और अपना रैंक अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मोबॉक्स कॉइन की एक और अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली कि मोबॉक्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मौजूद है, इसके अलावा डेस्कटॉप वर्जन तो ऑलरेडी है तो लोग इसे मोबाइल पर भी प्ले कर सकते हैं। गेमिंग क्रिप्टो में हमेशा से एक स्ट्रांग ट्रेंड रहा है और इसके कॉइन्स या टोकन्स ने हिस्ट्री में भी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसी के साथ आने वाला जो टाइम है जिसमें GTA 6 जैसी गेम्स भी मार्केट में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं गेमिंग हमें बेनिफिट दे सकता है। एनिमोका ब्रांड्स, वेंचर कैपिटल जैसे VCs जहां गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां एक अच्छा गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम वापस टॉपिक पर बात करते हैं कि मोबॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हो सकता है, तो इनके प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। उनमें आप इनके प्लेटफॉर्म पर NFT क्रिएटर बन सकते हैं, गेम क्रिएटर बन सकते हैं, जिस तरह से सैंडबॉक्स कॉइन में ये ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ अपनी गेम्स लॉन्च करके उसे सेल भी कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं टीम की तरफ से अच्छी चीजें जारी हैं जो अभी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन बुलरन के स्पाइक्स लेते ही हमें ये देखने को मिल जाएंगी। बाइनांस लैब्स, एनिमोका ब्रांड्स और कॉइन बेस वेंचर्स जैसे बड़े नाम एमबॉक्स की बैकिंग में शामिल हैं, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। काफी बड़े इदारों के साथ इनकी पार्टनरशिप है। अगर हम बात करें प्राइस की तो मोबॉक्स बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है, जहां से अप जाने का हाई पोटेंशियल मौजूद है। इसकी वजह गेमिंग और इसे बड़े वेंचर्स का सपोर्ट करना है। जैसे जैसे बुलरन आगे बढ़ेगा, मार्केट में अच्छी न्यूज गर्दिश करेंगी, वहीं इनकी तरफ से मुख्तलिफ अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी जो इस अंडर वैल्यूड कॉइन को ऊपर की जानिब पुश करेंगी। नया पैसा मार्केट में आएगा, इन्वेस्टर्स की नजरों में मोबॉक्स दोबारा से आएगा और ये हमें ऊपर ज्यादा दिखाई देगा। बुलरन में प्राइस टारगेट की बात करें तो अगर गेमिंग की हाइप मार्केट में इंटर करती है तो अपनी करंट प्राइस से ये 10x तक ऊपर जा सकता है, यानी $5 to $6 या इससे भी ज्यादा का टारगेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कॉइन में किस लेवल पे आती है और अपग्रेड्स क्या क्या आते हैं। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट वोलेटाइल मार्केट है जिसमें प्राइसेस तेजी से कम या ज्यादा होती हैं। इसलिए किसी भी एसेट में यहाँ इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर रिसर्च का और मार्केट टेक्निकल्स का होना जरूरी है, जो कि अगर आपको नहीं आते तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। इसके अलावा ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मोबॉक्स पर ये वीडियो बनाने का मकसद कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट थी। हमने प्रॉपर चीजें आपके सामने रख दी हैं। इन्वेस्टमेंट करना या ना करना आपका अपना फैसला है। पहले सीखें, समझें और फिर मार्केट में इंटर करें। क्रिप्टो की दुनिया से मुंसलिक होने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको मार्केट की मुकम्मल अपडेट फराहम की जाती है। रिगार्ड्स, इनोवेशन चेन ऑफिशियल।